में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग को शराब पिलाकर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 अगस्त से नाबालिग लापता थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। 3 तारीख को रात को 11:30 बजे जो अपने बड़े माता पिता के पास रहती है वो घर से चली गई, तो वो 4 तारीख को सुबह उन्होंने आके पुलिस को सूचना दी है और प्रकरण पंजीबद्ध करके बच्ची की तलाश करी। बच्ची जाके अपने बैतूल में रात को कहीं अपने मित्र परिवार में सो गई है। और चूंकि ये कल दोपहर में ये बातें सामने आई कि एक जो बच्ची मिस हुई थी उसके साथ इस प्रकार की दुराचार की घटना है, तो चूंकि गंभीर मामला था, महत्वपूर्ण मामला था, तो तत्काल पुलिस कुछ संदेहियों को राउंड अप किया है और बहुत जल्दी भी हम चाहेंगे कि प्रकरण का पर्दाफाश हो जाए। 4-5 लोगों के नाम वो ले रही है। कोर्ट में आज और क्या कार्रवाई हो देखो, मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। मंडला की कान्हा नेशनल पार्क में साल भर जंगलों की रखवाली और